ग्रीष्म काल में वनों में पानी की कमी होने से जहां वन्य जीव पानी के लिए भटकते हुए रिहायशी इलाके में पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वन्य जीवों का अवैध शिकार भी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रिठौरा वन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम गिरना के जंगल में वन्य जीव गौर का करंट से शिकार करने का मामला सामने आया है। ग्रीष्म काल में वनों में पानी की कमी होने से जहां वन्य जीव पानी के लिए भटकते हुए रिहायशी इलाके में पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वन जीवों का अवैध शिकार भी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रिठौरा वन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम गिरना के जंगल में वन्य जीव गौर का करंट से शिकार करने का मामला सामने आया है। अब गौर का शिकार करने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन और वन विभाग के अफसर जाँच करने और शिकारियों तक पहुँचने की बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि वन विभाग के कर्मचारी इन दिनों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, लिहाजा वनों की सुरक्षा भी भगवान भरोसे हो गई है। ऐसे हालात में वन परिक्षेत्र अधिकारी ही अकेले भ्रमण कर वन परिक्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसी का फायदा उठाते हुए वन्य जीवों का शिकार करने वाले शिकारी भी सक्रिय हो गए और वनांचल इलाकों में जाकर वन्य जीवों को करंट प्रभावित तार के माध्यम से शिकार करने में जुटे हुए हैं। पिथौरा वन परिक्षेत्र के गिरना जंगल में हुए इस शिकार के बाद वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर बरती जा रही सावधानी पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। में जो है किसी ने 1100 केवी से जो है तार खींच के फैलाया था। ये मोस्टली जो है जंगली सुअर के लिए ये लोग खेलते हैं फांदा, और ये बैसन तो हमारे जंगल में है नहीं, लेकिन ये पता नहीं कहीं से भटक के आ गया और वो तार के चपेट में आके जो है उसको बंदी हो गई है। करीब करीब 1 किलोमीटर दूरी पे है। साक्ष्य में ये मिला कि जो मौके में बैसन जो मरा है वो वहीं पे झाड़ पे जो है तार बंधा हुआ दिख रहा है। इससे बिल्कुल 100% ये हो रहा है कि वो करंट से ही मरा है। क्या कहीं ना कहीं भी जो कर्मी हड़ताल में कहीं ना कहीं इसका असर देखा जाएगा सर? हाँ, अब कर्मी हड़ताल में है तो ये तो निश्चित रूप से ये है कि पूरे परिक्षेत्र में मैं अकेले ड्यूटी में हूँ और पूरा जो एक संवेदनशील समय चल रहा है आग लगने का जंगलों में, तो सब जो है एक संवेदनशील समय तो है। इसके चलते जो है हमारे स्टाफ कोई जंगल में है नहीं, और नहीं होने के कारण जो है ये इसका प्रभाव तो है नहीं। ये क्या है, महुआ बिनने वाले जो है जनरली अपना महुआ के झाड़ के नीचे में जो है सफाई करके आग लगा देते हैं और उसको आग को जो है बुझा के नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो उससे जो है जंगलों में फैल जाती है। लेकिन हमारे पूरे वन मंडल में सबसे कम आग की जो घटना है वो पिथौरा परिक्षेत्र में ही है, और उसका जो है प्रयास वन मंडलाधिकारी के द्वारा भी बहुत सारे निर्देश दिए गए थे जिसको हमने पालन किया है। और अपने स्तर में भी जो है हमने बहुत दो बार ठेकेदारों की मीटिंग की इसके संबंध में, और इससे बहुत प्रभावशील हुआ है और बहुत घटना कम हुई। अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें गोपनीय रहती है ना, तो ये अभी कुछ हम कह नहीं सकते इसके संबंध में। ये है कि जांच हम विस्तृत रूप से करा रहे हैं उसको, और जांच के में जैसा भी जो भी आएगा सामने उसके ऊपर कार्रवाई कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।